जब आप सोचते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करने के बारे में और बहुत ज्यादा तगड़े रिजल्ट्स पाने के लिए, तो आपके दिमाग में शायद कुछ इस तरह की पिक्चर आती होगी कि कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेहनत कर रहा है और वो अपने आप को अपनी लिमिट तक पुश कर रहा है। लेकिन साइंस के हिसाब से अगर आप अपने दिमाग को एक चीज में ले आते हैं जिसको बोलते हैं फ्लो स्टेट, जहां पे आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी होती है 8 से 14 हर्ट्ज के बीच में, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। ये वही स्टेट है जिसमें एथलीट्स अपने आप को पाते हैं जब वो अपना गेम बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे होते हैं। ये वही स्टेट है जिसको योगी या साधु बोलते हैं निर्वाण। और अगर आप सीख जाएंगे कि अपने आप को इस स्टेट में कैसे डालना है, तो आप जो भी चीज़ करेंगे वो आपके लिए आसानी नहीं हो जाएगा, बल्कि ये भी होगा कि आपके रिजल्ट 10 गुना बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने दिमाग को इस स्टेट में कैसे ला सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ऑथर मिहाई सेक मिहाई, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है फ्लो, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि लोगों की साइकोलॉजी कैसे काम करती है और उनको असली खुशी कैसे मिलती है। उन्होंने ये पाया कि लोग सबसे ज़्यादा खुश तब नहीं होते जब वो रिलैक्स कर रहे होते हैं या वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आराम कर रहे होते हैं, जैसे टीवी देख लेना या कोई गेम खेल लेना, बल्कि वो सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं जब वो एक काम में इतना ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि उनको टाइम का ही सेंस नहीं रहता है, उनको पता ही नहीं चलता है जैसे टाइम कहाँ खो गया। अब हमें ये समझना होगा कि काफ़ी लोग प्लेजर को एन्जॉयमेंट के साथ कन्फ्यूज़ कर देते हैं। जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आपको प्लेजर मिलता है, जिससे आपको अच्छा फील होता है, जैसे पिज्ज़ा खाना या किसी भी टीवी शो के सारे एपिसोड्स देख लेना, आपका दिमाग किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है। इनफैक्ट काफ़ी बार तो होता है कि आपका दिमाग थोड़ा सा बोर हो रहा होता है, वो किसी ना किसी चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा होता है। लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपका पूरा अटेंशन ले लेता है और आप बहुत गहराई से किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं जिसमें आप सच में अच्छे हैं, जैसे आप मान लीजिए बैडमिंटन खेल रहे हैं या आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तब आपका दिमाग बहुत हाई स्पीड से काम करता है। आप अपने आप को एक्चुअली एंजॉय करने लगते हैं और ये एंजॉयमेंट जो होता है जब आपका दिमाग एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, यहीं पर आपको असली खुशी मिलेगी। और यही तब होता है आपके साथ जब आप 5 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतनी तेज़ काम कर रहा होता है। यहीं पर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क एक दोनों के साथ आ जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो या आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल रहे हो और हर चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, ऐसा लगने लगता है कि आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है और आपका दिमाग फुल स्पीड पर काम कर रहा है, 5 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं और एकदम से आपको पता ही नहीं चलता है, चुटकियों में आपका काम हो जाता है। इसी को बोलते हैं फ्लो स्टेट। और जब आपका दिमाग इस स्टेट में चला जाता है तो आपका दिमाग एकदम सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग चलते फिरते फ्लो स्टेट में नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोग इन दोनों स्टेट्स में होते हैं, या तो एपथी या एंजाइटी। एपथी का मतलब होता है कि आप जब बोर हो जाते हैं, जब कोई काम आपके लिए बहुत आसान होता है या आपको उसको करने का मन नहीं कर रहा होता है। तो मान लीजिए अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो चाहे आपको मैथ्स कितना भी क्यों ना पसंद हो, अगर आप 12th ग्रेड में हैं और मैं आपको 1st ग्रेड की प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। और दूसरा स्टेट होता है एंजाइटी। ये तब होता है जब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं या आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि काम कैसे करना है। फिर से एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप 12th ग्रेड में हैं और आपको मैथ्स पसंद है, लेकिन मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दे दूं जो PhD लेवल के लोग भी मैथ्स में नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तब आपको एंजाइटी होने लगेगी और आपको मज़ा नहीं आएगा वो काम करने के लिए, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना अभी आपको नहीं आता है। अब जिस फ्लो स्टेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो इन दोनों स्टेट के बीच में आता है। ये तब होता है जब कोई काम बस इतना चैलेंजिंग होता है कि आपको उसको करने में थोड़ा सा अपने आप को पुश करना हो, लेकिन तब भी वो इतना आसान होता है कि आपको ऐसा ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आप नहीं कर पाएंगे। तो इस फ्लो स्टेट में जाने के लिए 3 कंडीशंस हैं जो आपको रखनी होंगी। पहली चीज़ है कि आपको एकदम क्लियर गोल सेट करना होगा। काफ़ी सारे एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन फ्लो स्टेट के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी मैच के आखिरी कुछ मिनट में वो इस तरह के स्टेट में चले जाते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि हर स्पोर्ट में गोल बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका गोल है अगले 3 बॉल में 6 रन स्कोर करना, तो अब ये इतना क्लियर गोल है जिससे आप फ्लो स्टेट में जा सकते हैं और आपकी बल्लेबाजी नेक्स्ट लेवल की पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप बिना किसी गोल के ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो आपका दिमाग फ्लो स्टेट में नहीं जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग के लिए कोई बहुत क्लियर लक्ष्य नहीं है। तो जब भी आप कोई भी नया काम करना शुरू करें, तो ये ज़रूर कोशिश करिए कि उसके साथ आपका एक गोल हो। तो अगर मान लीजिए आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक गोल बना लीजिए कि आप कितनी प्रॉब्लम्स करेंगे अगले 1 घंटे में।
तो अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से ये गोल आप सेट कर सकते हैं। अच्छा तरीका सोचने का ये है कि एक ऐसा गोल रखिए जो आपके लिए बस थोड़ा सा मुश्किल हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 15 प्रॉब्लम कर सकते हैं 30 मिनट में, तो आप एक ऐसा गोल रखिए कि आप 17 प्रॉब्लम करेंगे 30 मिनट में। इस तरीके से आपके दिमाग को थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करना होगा और आप फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको एक क्लियर और इमीडिएट फीडबैक चाहिए होगा। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्लो स्टेट में जाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते करते आप कितना पास पहुंच रहे हैं अपने लक्ष्य के। जितना आपके दिमाग को समझ में आएगा कि आप अपने लक्ष्य के और पास आते जा रहे हैं, उतना आपका दिमाग फ्लो स्टेट में चलता चला जाएगा। तो अगर आप पियानो बजाना सीख रहे हैं तो बार बार आपको पता चलता रहेगा कि आप कितने नोट सही बजा रहे हैं और कितने गलत बजा रहे हैं। तो धीरे धीरे आपका दिमाग फ्लो स्टेट में आने की कोशिश करेगा ताकि आप ज़्यादातर नोट सही बजाएं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो हर बॉल के बाद आपको फौरन फीडबैक मिलता है कि आप कितने रन बना रहे हैं। अगर एक सर्जन सर्जरी कर रहा होता है तो उसको ब्लड फ्लो से फीडबैक मिलता है कि कितना खून बह रहा है, उस हिसाब से उसको पता चलता है कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आप जो भी काम कर रहे हो इसमें दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में फीडबैक होना चाहिए। शॉर्ट टर्म जैसे आपको अभी पता चल रहा है कि आप कितने रन स्कोर कर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म का ये मतलब होता है कि आपको कई महीनों में पता चल रहा है कि आप अपनी स्किल में कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है 4% रूल। फ्लो स्टेट में आने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जितनी आपकी अभी क्षमता है उससे। तो अच्छा रूल इसके लिए है 4% कि आपकी जितनी भी स्किल है अभी, आप ये कोशिश करें कि जो भी आप काम करने वाले हैं वो आपके लिए 4% और मुश्किल हो। तो मान लीजिए अगर आप एक कोई पीस पियानो में बजा लेते हैं 10 मिनट में, तब आपको कोशिश करनी चाहिए उसको 9:36 में बजाने की। इस तरीके से आपका काम 4% और मुश्किल हो जाएगा। अब ये ज़रूर आपको याद रखना हो कि हर काम को आप फ्लो स्टेट में हमेशा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आप बर्तन साफ़ कर रहे हैं, अब ये ऐसी चीज़ नहीं जिससे आप डायरेक्टली फ्लो स्टेट में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा और दिमाग लगाएं और थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज़ करें तो आप अपने डेली काम को भी किसी ना किसी तरीके से फ्लो स्टेट से जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको बर्तन ही धुलने हैं, तो आप सोचिए कि आपको कितना टाइम नॉर्मली लगता है इस काम को करने में। मान लीजिए आप कहें कि आपको 20 मिनट लगते हैं, अब आप अपने आप को चैलेंज करिए कि आप इस काम को 18 मिनट में कर सकते हैं। अब ये इतना तेज़ तो नहीं कि आप कोई ना कोई गलती करके अपने बर्तन तोड़ देंगे, लेकिन ये तब भी इतना तेज़ है कि आप अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे और आप अपने आप को चैलेंज करेंगे और इससे आपका दिमाग फ्लो स्टेट में आ जाएगा। और हाँ, ये भी याद रखिए कि काफ़ी बार आप कोई भी चीज़ बार बार करेंगे तो आप उसमें और अच्छे होते जाएंगे और वो काम आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो आपको फ्लो स्टेट में जाने के लिए उस काम को और मुश्किल बनाते रहना होगा। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। इस चैनल पर जो भी मैं व्हाइट बोर्ड वीडियोस बनाता था वो कुछ महीनों के बाद मेरे लिए बहुत आसान हो गया था उनको बनाना, और इसी वजह से मैं बोर होने लगा था जब मैं उनको बनाता था। तो अपने आप को फ्लो स्टेट में डालने के लिए मैंने एक दूसरी तरह का एनिमेशन सीखा जो थोड़ा और मुश्किल था बनाना, और अब एक्चुअली मुझे मज़ा आता है इस तरह के एनिमेशन बनाने में क्योंकि मैं फ्लो स्टेट में चला जाता हूँ। जितना आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह के फ्लो स्टेट्स डाल लेंगे उतना आप अपनी लाइफ को और एन्जॉय कर पाएंगे। और यहाँ से आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि जब आप रिलैक्स करना चाहते हो तो अपना टाइम फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी चीजों पे ना वेस्ट करिए, क्योंकि इन सब चीजों पे आप कभी भी फ्लो स्टेट में नहीं जा पाएंगे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने की कोशिश करिए, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं या कोई किताब पढ़ सकते हैं या एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिससे आपके दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना पड़े, और इससे आपकी टोटल हैप्पीनेस भी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो समरी में मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि ज़्यादातर लोग दो तरह के स्टेट्स के बीच में होते हैं, एक तो एकदम बोर हो रहे होते हैं या एक एकदम टेंशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में होते हैं। तो इन दोनों स्टेट के बीच में हम लोगों को फ्लो मिलता है। फ्लो अचीव करने के लिए हम लोगों को 3 कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। पहला है कि हम लोगों का एकदम क्लियर गोल होना चाहिए, दूसरा है कि हम लोगों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फीडबैक मिलता रहना चाहिए, और तीसरा है कि उस काम की डिफिकल्टी 4% और मुश्किल होनी चाहिए जितनी आपकी अभी ताकत है करने की।